हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर फाइनली जो मैं लाइव मेरी आज की लास्ट वीडियो है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वुमेन्स की जो फर्स्ट टी20 खेला जाएगा इसके बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुना, इंडिया वाली मैं आपको टीम जो है अपने टेलीग्राम चैनल में दूंगा, इसकी वीडियो में नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल काम में बिजी हूँ। चलिए, टीम मैंने बना रखी है, डायरेक्टली टीम आपको एडिट करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ यहाँ से ध्यान से सुनना क्योंकि स्क्वाड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्क्वाड इनका निकला है दोनों टीम्स का। तो उनमें से मैंने प्लेइंग 11 आपके लिए निकालने की कोशिश की, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कम से कम 90% तो मेरी जो प्लेइंग 11 है वो परफेक्ट है। बाकी बैटिंग ऑर्डर के साथ थोड़ा ध्यान से खेलना क्योंकि बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ होगी। और प्लीज यार, आप लोगों को तो बोल के कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि आप लोगों ने स्किप करके देखने है, तो चलिए आप मर्जी, आपकी जो जैसे मर्जी देखो। बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़खानी हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है, वो हमें टॉस होने के बाद हमें फाइनली पता चल जाएगा। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना ताकि आपको अपडेट टीम्स वगैरह या जो है सब कुछ न्यूज वगैरह मिल सके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन करना। चलिए, बेवल माउंट मोंगनी में ये मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड में। और जो विकेट है, न्यूट्रल विकेट है, यहाँ पे स्कोर जो है मैक्सिमम ये समझ लीजिए 130 जो है बहुत ज्यादा स्कोर, या 135 जो है बहुत ज्यादा स्कोर यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से एक बैलेंस टीम बनाना। अब ये मत करना भैया सारे के सारे बॉलर ही धर लो, ऐसा मत करना, एक बैलेंस टीम बनाना। मैं आपकी हेल्प करूंगा हेड टू हेड 3 मेंबर लीग बनाने में। बाकी टीम मैंने बना रखी है, डायरेक्टली आपको टीम एडिट करके दिखाता हूं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को तो प्लीज लाइक कर देना। ये रिक्वेस्ट है आपसे क्योंकि यार आपके लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मजा आता काम करने, वीडियो डालते लाइक नहीं मिलता, यार अजीब सा लगता है कि यार क्यों काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना। चलिए, टीम मैंने बना रखी है, डायरेक्टली आपको एडिट करके दिखाता हूं। रेचल बेस्ट और लिजिली दोनों की दोनों ओपनिंग करने वाली हैं। अगर आप लेना चाहते हो रेचल बेस्ट को ले सकते हो, ये मेरा रिस्क है, मैंने छोड़ रखा है। ठीक है, मैं जो रिस्क लेता हूं वो मेरे अपने होते हैं, तो ये रिस्क फ्रेंड मेरा रहेगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, रख लेना किसी एक ऑलराउंडर को कम करके। चलिए, अब बात करते हैं यहां से आगे। लिजिली को मैंने रखा हुआ है, उसके बाद यहां पर सूजी बेट को मैंने रखा। सूजी बेट और आई थिंक रेचल बेस्ट दोनों ओपनिंग कर सकती है। बैटिंग ऑर्डर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, छेड़छाड़ हो सकती है, आपको पहले बता दूं कुछ भी बैटिंग ऑर्डर में यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, कैटी मार्टिन है, उसके बाद मैडी ग्रीन खेलने वाली है। इनमें से अगर किसी को रखना चाहते हो रख सकते हो, वन डाउन सेकंड डाउन यहाँ पे आने ही वाली है। उसके बाद यहाँ मैंने सुन लुइस को रखा और यहाँ पे मैगन डुप्रिज को रखा हुआ है, जो मुझे बेस्ट लग रही है हेड टू हेड 3 मेंबर लीग। मैगन डुप्रिज जिस हिसाब से पीछे, मैगन डुप्रिज मैं तभी रखूंगा जब इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी। ठीक है, मैं मतलब यहाँ से जो न्यूजीलैंड टॉस जीतेगी, बॉलिंग लेगी और इनकी बैटिंग आएगी, तब मैं मैगन डुप्रिज को रखूंगा। अदरवाइज मैं मैगन डुप्रिज को हटा के जो है यहाँ पे लॉरा वॉल्डर को यहाँ पे रख लूंगा। और काफी अच्छी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपने इनकी लास्ट जो ओडीआई सीरीज जीती उसमें भी आपने देखा होगा, काफी अच्छा हर मैच में परफॉर्म करती। मैगन डुप्रिज का यह फ्रेंड थोड़ी डाउन आती है खेलने के लिए, अगर यहाँ पे विकेट्स गिरती है तो मैगन डुप्रिज हमारा उस चीज में फायदा करा देंगे, उस सिचुएशन में जिस सीजन में इनकी बैटिंग पहले होगी, वो भी तब जब यहाँ पर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग लेगी। तो इस सीजन में हमारा थोड़ा फायदा कर, क्योंकि बॉलिंग तभी रहेगी टीम यहाँ से कम स्कोर में ऑल आउट करने के लिए, तो इसीलिए हमारे जो ये काम कर जाएंगे मैगन डुप्रिज टाइम। तो ये टॉस के बाद मैं चेंज करके आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, इसीलिए कहता हूँ। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में चारों के चारों बेस्ट लग रहे हो, मैंने रख लिए। सोफी डिवाइन को रखा हुआ है, निकर को रखा हुआ है, उसके बाद मर्जन कैप को रखा हुआ है, अमला कैर को मेरा थोड़ा सा रिस्क के साथ ले रहा हूँ। तो प्लीज आप जो यहाँ पर हेली जेंसन को लेना चाहते हो ले सकते हो, अच्छी ऑप्शन है हेली जेंसन। और एमला कैर का थोड़ा इसलिए रखा हुआ मैंने क्योंकि जिस हिसाब से पीछे इनकी बैटिंग भी आ सकती है और बैटिंग में भी ये जो है मैं पॉइंट्स अन करके दे सकती हैं। और थोड़ा ये मान लो 4 से 5 विकेट या 5 से 6 विकेट जो गिरते ही एमला कैर की बैटिंग आ जाएगी, क्योंकि ये बैटिंग में बैटिंग थोड़ा अच्छा करती है, तो इसीलिए मैंने एमला कैर को यहाँ पर ट्राई किया हुआ है। अगर आप किसी और को ट्राई करना चाहते कर सकते हो, या फिर इनको हटा के किसी बैट्समैन को ट्राई करना चाहते कर सकते हो, काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं मे बी इनसे। ठीक है, बट ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहे हैं इसीलिए मैंने इनको रखा हुआ है। तो चलिए, अब बात करते हैं बॉलिंग में। उससे पहले फ्रेंड यार आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब इसलिए ताकि हमारी जो जितनी वीडियो हम हर मैच की वीडियो आपको देता हूँ, हर मैच की प्रेडिक्शन करता हूँ, वो आपके पास पहुँचेगी। कोई और आपको वीडियो दे या ना दे, मिले ना मिले, बट मैं हर मैच के यहाँ पे जो खेलने वाले मैच होते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करना कर सकते हो, उनकी मैं वीडियो यहाँ पे जरूर देता हूँ। चलिए, बॉलिंग में यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं मुझे, लेग कास्परिक और लीता हो और यहाँ पर खाका, ये तीनों मुझे बेस्ट है। और लीता हो का मुझे लगता है कल खेलना चाहिए इनको मैच, T20 में अधिकतर इनको खिलाया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर सबने स्मेल एक ऑप्शन है आपके पास, अन्ना पीटरसन एक ऑप्शन है, इनको रखना चाहता रख सकते हो। उसके बाद जैस कैरे इनको रखना चाहता रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर जो है मे भी यहाँ पर कल सुकन्या खेल जाए, अगर खेलती हैं तो खाका की जगह सुकन्या को ट्राई करना चाहते कर सकते हैं, अच्छी ऑप्शन हो सकती है हेड टू हेड 3 मेंबर लीग के लिए भी और साथ ही में ग्रैंड लीग के भी। और बाकी यहाँ पर कोई खास ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है इनके अलावा कोई और बेस्ट हो सकता है आपके लिए तो प्लीज़ रख लेना, ये मत कहना कि भाई तेरी वजह से नहीं रखा। चलिए, अब बात करते हैं ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग के लिए जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है फ्रेंड यहाँ से, जो
जैसे कि यहाँ पे तो सिल्लिस को तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वन डाउन आई थिंक यहाँ की मे बी ओपनिंग भी कर सकते हैं क्योंकि प्लेयर अच्छी हैं। तो बैटिंग में जैसे मैंने आपसे कहा है कि बैटिंग का छेड़छाड़ हो सकता है, वो आपको टॉस के बाद ही पता चल पाएगा, तो प्लीज़ आप रखना चाहते हो ग्राइंडिंग में से यार कुछ भी ट्राई कर लो, और ज़्यादा कोशिश करना मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है ग्राइंडिंग में ना टॉप पर आप देख लेना कल कि ग्राइंडिंग पर टॉप पर कौन आता है। ग्राइंडिंग पर टॉप पर कल वही आना जिसका ऑलराउंडर और बॉलर्स का कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वही आएगा, इस चीज़ का ध्यान में रखना। अगर आप इस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जितनी भी टीम्स आप बना रहे हो 10-11 जितनी भी टीम्स आप ड्रीम इलेवन में जा रहे हो तो जा सकते हो, वो कॉम्बिनेशन आपके लिए फायदेमंद होता है। और जाना ज़्यादातर मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ग्रैंड लीग में जो है बॉलर्स और ऑलराउंडर का ही कॉम्बिनेशन बना के चलना काफ़ी बेस्ट हो सकता है आपकी विनिंग के लिए, ठीक है। बाकी फ्रेंड आप लोग बैट बॉल ऑन पे खेलना चाहते हो ट्रस्टेड ऐप है, मैंने इसका पेमेंट प्रूफ दिया है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वाली वीडियो मैंने इसका जो पेमेंट प्रूफ है वो मैंने देर का कल ही मैंने वीडियो लगाया था आपके सामने, और आज जो है दिन में मॉर्निंग में करीब 11:30 बजे के आसपास मेरे पे उसका विड्रॉल आ गया। तो ट्रस्टेड ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही में रेफरल कोड मिलेगा, तो प्लीज़ जरूर यूज़ करना। और हेड टू हेड 3 मेंबर स्पेशल ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ड्रीम इलेवन पर बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है, हाई इन्वेस्टर वहाँ पे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे लगे पड़े हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे वॉन करना मुश्किल होगा, स्पेशली उनके लिए जो एक या दो लीग डेली की ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हटके खेलोगे तो आपकी विनिंग थोड़ा बनी रहेगी ठीक ठाक। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की, जो मस्ट रहता है हमेशा से वुमेंस वाले मैचेस में कि इनका परफॉर्म करना ज़्यादा जरूरी होता अगर आप रख रहे हो। तो सोफी डिवाइन को मैंने कैप्टन ट्राई करके टॉप ऑर्डर में एक तो बैटिंग करेंगी प्लस इनका जो है बॉलिंग के चांसेस हैं, बॉलिंग कर सकती है, और कहीं ऐसा ना हो जैसा आज एसले गार्डनर के साथ हुआ। बट सोफी डिवाइन जो है एक अच्छे ऑलराउंडर है, मुझे लगता नहीं इनके साथ ऐसा होगा, तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर कैप्टन ट्राई कर रखा है। और वाइस कैप्टन मैं यहाँ पर मर्जिनल कैप के साथ जा रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्क का फ्रेंड आपको पहले ही बता दूँ, दुनिया आपको जो है सूजी बेट के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन मिलने वाली है या फिर सुन लुइस के साथ, जिनने इनकी पिछली ओडीआई सीरीज देखी होगी वो यहाँ पर जो है आपको पहले बता दूँ सुन लुइस के साथ जाने वाले, और जिन्होंने नहीं देखी होगी वो यहाँ पर सूजी बेट के साथ जाने वाले क्योंकि नामी प्लेयर हैं, ठीक है। मर्जिनल कैप को मैंने लिया हुआ है और इन्हीं को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, जिस हिसाब से पिच है उस हिसाब से मुझे लगता है ये टीम मुझे अच्छा खासा परफॉर्म करके दे सकती है, बाकी आप लोगों को देखना। और ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेस्ट पिक आपको बता दूँ एमएलए कैर जो है इन लोगों पर नज़र कम जाने वाली है क्योंकि सूजी बेट सुन लो लीजिली इन पर सबकी नज़र जाने वाली है। आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा हट के अगर एमएलए कैर या मर्जिनल कैप या फिर डैनमैन निकर इनमें से किसी को एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन यूज कर लो ग्रैंड लीग में, तो मे बी इनके साथ कॉम्बिनेशन जाओ कम से कम 6-7 टीम में, तो आप जो है अच्छा खासा वॉन कर सकते हैं। मैं खुद यही करूँगा, मैं खुद अपनी ग्रैंड लीग में इसी तरह की ट्रिक्स यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो फ्रेंड यार प्लीज़ अगर आपको हमारा सब कुछ सेशन वगैरह हमारा बताने का तरीका और हमारा गेम प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अब तो वीडियो को लाइक कर ही दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम उसके बाद जरूर ज्वाइन करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।